हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। शालू फैमिली व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? होप कि आप सभी बढ़िया होंगे, अपने घर पे तंदुरुस्त होंगे। तो यहाँ पे ना मम्मी को काफ़ी टाइम से ना बुखार चढ़ रहा था। मैं ये व्लॉग आप लोगों के साथ ना पहले शेयर करने वाली थी 1 महीने पहले, पर टाइम नहीं लगा। वो क्यों नहीं लगा वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। और जो मेरे चैनल पर सब पहली बार हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो यहाँ पे ना मम्मी को डेली के डेली शाम को ना बुखार चढ़ रहा था, उतर रहा था, चढ़ रहा था, उतर रहा था। तो इसी वजह से सोचा कि ना मम्मी का थोड़ा सा टेस्ट वेस्ट करवाया जाए। और यहाँ पे वही चीज़ें हो रही हैं। हमने बुलाया था डॉक्टर को टेस्टिंग के लिए, तो टेस्ट हो रहे हैं मम्मी के यहाँ पे। और उससे पहले मम्मी यहाँ पे बेड रेस्ट इसलिए कर रही है क्योंकि मम्मी गई थी गिर, जिस वजह से मम्मी की ना नस खिंच गई थी पैर की। और आप लोगों को तो पता है कि ऐसी उम्र में अगर इतना सा भी हो जाए तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे मम्मी को ना बेड रेस्ट हो गया था एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि मम्मी खुद से उठना, बैठना, चलना फिरना नहीं कर पा रही थी। 15 दिन मैक्सिमम मम्मी के साथ यही काम रहा। और यहाँ पे फिर ना दीदी भी मिलने के लिए आई हुई थी मम्मी से। और टेस्टों में रिपोर्ट में पता चला कि उनका बुखार टाइफाइड की वजह से हो रहा है, तो उनका टाइफाइड बिगड़ गया था। उसके बाद हम लोगों को मम्मी को एडमिट करवाना पड़ा। और एडमिट के लिए भी मैंने ये व्लॉग इसीलिए बनाया ताकि आप लोगों को पता रहे मैं 1 महीने से कहाँ थी, कहाँ नहीं थी, क्या था क्या नहीं था। तो सोचा क्यों ना एक क्लिप आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो मैंने मम्मी के घर आने के भी वीडियो बनाया है, तो मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन अभी मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर दूँ। बाकी के जो मेरे व्लॉग पेंडिंग पढ़ते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से, मैं वो बाद में शेयर करती रहूँगी आराम से धीरे से। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ ये वाला व्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे अभी मम्मी के साथ है ना, मम्मी के साथ बातें चल रही हैं। छोटे वाली दीदी आई हुई हैं अपने घर से, और यहाँ पे बबीता दीदी और बीच वाली दीदी बैठी हुई हैं। तो मम्मी को हॉस्पिटल भैया और इसके पापा वगैरह लेकर चले गए थे। यहाँ पर मैं सामान की पैकिंग कर रही हूँ, तो यहाँ पर जो जो मम्मी का सामान ज़रूरी है वो लेके जाना है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक एक चीज़ रख लेती हूँ, हो सकता है कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। वैसे तो भैया ने बता दिया था कि ये चीज़ें लेके आनी है, तो अभी मैं ये चीज़ें पैक कर रही हूँ। तो एक एक चीज़ जो मम्मी से रिलेटिव हैं, जो जो मम्मी को जिस जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, वो सारी सारी चीज़ें, सारी दवाइयाँ, क्योंकि वहाँ पर जो भी ट्रीटमेंट हो रहा है वो सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में कि मम्मी को हुआ क्या था टाइफाइड के साथ साथ, ठीक है। तो मम्मी की यहाँ पे खांसी भी नहीं रुक रही थी, बलगम भी बहुत ज़्यादा आ था, जिस वजह से ना मम्मी को दिक्कत बहुत ज़्यादा आ रही थी। 2 साल पहले मैं आप लोगों को बता ही चुकी थी कि उनको अटैक आया था, तो कुछ ज़्यादा कुछ चीज़ों में वो वैसे भी परेशानी चल रही थी। तो यहाँ पे मैंने सारी पैकिंग कर लिया है, अब चलना है हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल में मैं जाऊँगी, फिर आएँगी दीदी। तो चलो चलते हैं और मिलते हैं। बाकी गाइस, यहाँ पे वो हॉस्पिटल में आने के बाद, मेरे आने के बाद दीदी चली गई थी घर पे। दीदी रुकती थी रात को और मैं रुकती थी दिन में। मैं जब आती थी तब दीदी जाती थी, और जब दीदी आती थी तब मैं जाती थी। तो यहाँ पे ये नर्स हैं जो इनको ग्लूकोज वगैरह चढ़ा रही हैं, तो ग्लूकोज वगैरह चढ़ाई जाती थी मम्मी को। बाकी मम्मी का पर्सनल रूम ले रखा था। तो ये एंट्री है, ये अलमारी है, ये पूरा मतलब अलमारी है, और ये किचन है। इधर के इसके बराबर में बाथरूम है, 2 बेड दिए गए हैं, बालकनी दी गई है। मतलब सेपरेट के अकॉर्डिंग बढ़िया है कि आप पेशेंट के साथ साथ रुक सकते हो। तो ये एक कॉटेज टाइप का रूम है जिसमें आराम से तसल्ली से आदमी अपनी फैमिली के साथ रुक सकता है। मतलब फैमिली इन द सेंस कि आप अपने पेशेंट के साथ यहाँ पर रुक सकते हो। तो यहाँ पर हो गई थी शाम, और शाम के साथ साथ मैंने दोपहर में अपनी जो रोटी खाई थी वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। मैं लेके आती थी मम्मी की रोटियाँ, अपनी रोटियाँ, तो हम ऐसे बैठ के खाया करते थे हॉस्पिटलों में। बाकी दीदी अगर शाम को आती है तो दीदी मम्मी की रोटी लेके आती थी, अपनी रोटियाँ लेके आती थी। अभी फ़िलहाल दीदी के आने का टाइम हो रहा है, दीदी जैसे ही आ जाएगी फिर मैं अपने घर चली जाऊँगी। फिर सुबह के टाइम पर मैं आऊँगी और दीदी घर जाएँगी। तो भाई फैमिली में बस एक ही सपोर्ट होता है कि ऐसे ही मिलजुल के काम किया जाता है। तो यहाँ पे बहुत लेट हो गया था, और मौसम और रात को ना इतना अंधेरा, इतना डरावना लगता था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर पेड़ ही पेड़ है ना, ऑक्सीजन की जिसको कमी रहती है। उस अकॉर्डिंग हॉस्पिटल में बढ़िया काम कर रखा था, हॉस्पिटल भी बहुत अच्छा था। तो यहाँ पे अलग अलग रूम इस तरीके से बनाए गए थे, एक रूम उधर, एक रूम इधर, एक रूम इधर, मतलब अच्छा था। तो मैंने ये व्लॉग सिर्फ इसीलिए बनाया है ताकि मैं आप लोगों को जो दिखा सकूँ मैं 1 महीने से कहाँ थी। बाकी मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच इतना प्यार, इतना सपोर्ट देने के लिए, इतना वेट करने के लिए। थैंक यू एंड बाय, टेक केयर।